इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपने वैक्सीन का नाम लिया तो उस पर हम अगर जाएं तो अभी रिसेंटली जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी वैक्सीन लगवाई ली फाइनली। उनके ऊपर बहुत बातें हो रही थी कि ये खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। तो साथ ही ये भी सुनने में आया कि इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आपको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन लगवा ली तो फिर कुछ लोग कॉन्फिडेंट होंगे और ये चीज जो है आपको कुछ सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, ये प्रॉब्लम के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे? नहीं, देखिए आरजू, इंडिया में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है वैक्सीन्स को लेके। हम लोग बहुत ही यू नो साइंस पसंद लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नहीं समझते कि किसी कोई हमें वैक्सीन लगा देगा तो हमारी आगे की जो नस्लें हैं वो नपुंसक हो जाएंगी। we are very very favored towards any kind of you know advancement in technology. और इंडिया में जो वैक्सीन को लेके अदरवाइज भी जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा ही था, बट ऑफकोर्स देर इज अ सेक्शन ऑफ मर्सिनरी जर्नलिस्ट हु आर ऑन द पे रोल्स ऑफ टर्की, हु आर ऑन द पे रोल्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान भी मैं बोलना चाहती थी, बट आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या देंगे, तो इसलिए मैंने टर्की और चाइना ही बोल दिया क्योंकि आप देंगे भी तो उन्हीं के थ्रू देंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं फॉर श्योर जो भ्रम फैला रहे थे कि इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस पे सवाल उठा रहे थे। आई थिंक उनके मुंह पे आज बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है, बिकॉज आवर लीडर हैज लेड बाय एग्जाम्पल। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले तो उन्होंने एक चीज साबित कर दी कि वो इंडीड वीआईपी कल्चर पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि किसी तरह की पब्लिक इनकन्वीनियंस उन्होंने कॉज नहीं की। बहुत जल्दी वो अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल गए और बिना किसी डिक्लेरेशन के, बिना किसी फैनफेयर के, और ही इज टेकन हिज फर्स्ट शॉट। आई थिंक दैट शुड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑल्सो, जिनके दिमाग में थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस होंगी। इन जनरल तो ऐसी कोई हवा यहाँ नहीं है, बट हाँ ऑफकोर्स हमेशा कुछ तो होते ही हैं लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ब्रेन वॉश करना आसान होता है। आई एम श्योर वैसे लोग पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ तादाद थोड़ी कम है बट हैं ऐसे लोग। तो आई थिंक दिस शुड सेटल अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस ऑन द एफिकेसी ऑफ इंडिया मेड वैक्सीन्स। इनफैक्ट इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया गया चाइना की तरफ से भी इंडियन वैक्सीन्स को लेके, बट आप देखें कि एंड ऑफ द डे 60 प्लस कंट्रीज को इंडिया ने वैक्सीन दी ना। चाइना तो आज तक WHO के अप्रूवल का वेट कर रहा है। इनफैक्ट चाइना को तो डिप्लोमैटिक, इंडिया की डिप्लोमैटिक जो सक्सेस जो इंडिया को मिली है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन मैत्री, उससे तो चाइना बहुत बुरा फील कर रहा है। तो अगर वर्ल्ड स्टेज पे हमारी वैक्सीन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, WHO हमें प्रेस कर रही है, तो अंदरूनी लोगों, मतलब हमारे यहाँ पे लोग इसके खिलाफ बोले या वैक्सीन को ना लेना पसंद करें, दिस इज अ वेरी माइनर इशू। लार्जली पीपल आर टेकिंग देयर जैब्स और ऑफकोर्स ये बारी बारी हो रहा है बिकॉज एज ग्रुप्स जो हैं उनके हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है। इनफैक्ट आज मैं चेक कर रही थी तो इट्स ऑल डिजिटाइज्ड। इनफैक्ट आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है। तो मैं भी आज चेक कर रही थी, बट उसमें आ रहा था कि अभी जो 45 प्लस का जो एज ग्रुप है, जो ज्यादा वल्नरेबल है, अभी उनका चल रहा है। तो आई विल ऑल्सो गेट इट डन वेरी सून। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड लीड बाय एग्जाम्पल और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर लोगों को फायदा हो और अंधविश्वास से लोग बाहर निकलें, क्योंकि जब तक किसी चीज का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये चीज इफेक्टिव है या नहीं है, तो सिर्फ सुने सुनाए पे नहीं चलना चाहिए।
बिल्कुल ठीक, और वो तो बिल्कुल टाइम के बाद ही पता लगेगा कि कितना एब्सोल्युटली इफेक्टिव है, और कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो कुछ टाइम के बाद ही मालूम होगा। अगर हम आगे बढ़े सोनम, और अभी रिसेंटली जिस टॉपिक पे मैं जाना चाह रही हूँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हम विमेन जो है उसकी पावर, विमेन पावर, और इस पे हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पाकिस्तान में, तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज फाइनली कोवैक्स वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। और ये डोज लगवाने के बाद ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई, क्योंकि जब भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई थी उसके बाद से विपक्ष के जो लोग थे, विपक्ष पार्टी के पत्रकार और बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने आप पर वैक्सीन खुद को कब लगवाएंगे, फिर दूसरी जनता को वैक्सीन लगाएं, मतलब लगवाने का ये कार्यक्रम चालू करें, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाइनली आज वैक्सीन लगवाई और उसके बाद से अब उन सब के मुंह पर ताला लग गया है। इस पर पाकिस्तान की जो पत्रकार हैं आरजू काजमी, उन्होंने अपना एक जो वीडियो है उसमें सोनम महाजन, जो आपने देखा होगा, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बेसिकली हिंदुत्व का पक्ष रखती हैं, उन्होंने उनके साथ ये बात की कि मोदी ने फाइनली वैक्सीन लगवा ली है, तो अब भारत में लोग वैक्सीन लगवाएंगे खुलकर कि नहीं लगवाएंगे। आपको भी पता है कि भारत में वैक्सीन लोग खुलकर नहीं लगवा रहे हैं, पहला डोज लेने के बाद दूसरे डोज के लिए लोग जा ही नहीं रहे हैं। भारत में ऐसी मेंटेलिटी है, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ फैल जाती है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसी चक्कर में भारत में बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये कदम उठाया और वैक्सीन आज खुद लगवा लिया है। शायद अब भारत में कुछ चेंजेस आ जाए। आपको पता है भारत में दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस कंटिन्यू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एक है महाराष्ट्र, एक है केरला। यहाँ पर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस, मतलब 80% केस ऑफ इंडिया यहीं से हैं। तो आप समझ सकते हो इन दो राज्यों में वैक्सीन का जो वैक्सीनाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से होना चाहिए, जिससे कि शायद हमें कोरोना से कोई बचाव मिले। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया डेफिनेटली इसे पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत लाइट लिया। पाकिस्तान का आज PSL का एक मैच भी रुक गया कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि जो UAE के एक प्लेयर थे फवाद अहमद, जो ऑस्ट्रेलिया में भी बिग बैश खेलते हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो खेलते थे। तो अब शायद पाकिस्तान में जो PSL हो रहा है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप वायु बबल कैसे तोड़ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद। वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।